आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ वन ऑफ माय फेवरेट सनस्क्रीन जो कि मैं पिछले 5 से 6 सालों से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूविडॉक्स ब्लू लाइट सनस्क्रीन जेल के बारे में। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। क्यों है वो बताऊंगा, किस तरह से आपको अप्लाई करनी है वो बताऊंगा, इसका टेक्सचर एंड फील कैसा रहता है आपकी स्किन के ऊपर एज अ डेमो आपको देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ ही आपको जानने को मिलेगा क्या आपको ब्लू लाइट सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ताकि आप एंड में एक स्मार्ट डिसीजन ले सके। नाउ व्हाट इज ब्लू लाइट, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। ब्लू लाइट बेसिकली वो रेजेस होती हैं जो आपके कैमरा से, जैसे कि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, या फिर आपके लैपटॉप या फोन से कुछ रेजेस निकलती हैं, और वो रेजेस में इतनी क्षमता होती है कि आपकी पहली लेयर ऑफ स्किन को पेनिट्रेट करके दूसरी लेयर ऑफ स्किन तक जाएं और आपके एजिंग का जो भी प्रोसेस है उसे तेज कर देती हैं। अब इसके साथ प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि एनवायरनमेंट में फ्री रेडिकल्स भी आते हैं, तो हाँ चलो हम भी चलते हैं ब्लू रेजेस तुम्हारे साथ, तो वो भी इनका दोस्त बन के आ जाते हैं और आपके एजिंग का जो प्रोसेस है उसे तेज कर देते हैं। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन योर अर्ली 30s। तो आपको अक्सर अपने आंखों के पास फाइन लाइंस एंड रिंकल्स देखने को जल्दी मिलते हैं, और यही कारण है कि बहुत सारे मर्द और महिलाएं दोनों कंप्लेन करते हैं कि हमें अर्ली 30s में फाइन लाइंस आ गए हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, हमारी स्किन है वो ढीली हो गई है, बिकॉज आपने पहले से प्रोटेक्शन नहीं दी अपने फेस को। सो दिस इज व्हाई मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सनस्क्रीन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे कुछ और लगाए ना लगाए, डू इन्वेस्ट इन योर सनस्क्रीन। सेकेंडली, ब्लू लाइट सनस्क्रीन आजकल बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज आपका वर्क प्लेस पे आप लैपटॉप के सामने काम करते हैं, आप फोन पे हमेशा रहते हैं, रील के एडिक्ट बन चुके हैं, और जैसे ही आप स्टेप आउट करते हैं तो सन महाशय तो है ही आपके साथ, तो उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसी सनस्क्रीन आप लगाएं ताकि आपको अच्छा प्रोटेक्शन देखने को मिल सके। अब सीधा हम शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर यूविडॉक्स की अनबॉक्सिंग को। जैसे ही आप इसके पैक को देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पैक है, और इसके अंदर से आपको एक ट्यूब देखने को मिलता है जो कि अराउंड आपको 798 रुपीज़ समथिंग का पड़ता है। इट्स क्वाइट प्राइसी, और अमेजोन पे जो प्राइस है ना थोड़े से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और इसकी जो टेक्सचर रहती है सनस्क्रीन की, इट्स काइंड ऑफ टिंटेड, सो यू कैन से इट्स लाइक अ बीबी क्रीम टेक्सचर, और आप इसे एज अ प्राइमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ हाउ टू अप्लाई द सनस्क्रीन, सिंपली आपको अपना मुंह धोना है सुबह के टाइम पे, एंड देन आप चाहे तो एक मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं विच आई रिकमेंड, बट अगर आप नहीं चाहे तो सीधा आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, द डेमो, हियर इट गोस। जैसे कि आप देख सकते हैं इट्स अ टिंटेड सनस्क्रीन, और ये बहुत ही आराम से आपके फेस के ऊपर स्प्रेड हो जाती है विदाउट लीविंग एनी वाइट कास्ट। सनस्क्रीन में अक्सर ये दिक्कत आती है कि भैया वाइट कास्ट आ रही है या फिर बहुत ग्रीजी लुक देखने को मिल रहा है। यार सामने सामने आपको डेमो दे रहा हूँ, देख लो, खुद से देख लो, क्लोजअप भी दिखा देता हूँ। सो दिस इज हाउ योर सनस्क्रीन विल लुक लाइक ऑन योर फेस, एंड आई डोंट फाइंड एनी वाइट कास्ट ऑन माई फेस। इसमें किसी भी तरह की आपको स्मेल देखने को नहीं मिलेगी, एंड इट्स वेरी गुड सनस्क्रीन फॉर स्पेशली कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन टाइप। आई वोंट रिकमेंड दिस सनस्क्रीन फॉर टू ड्राई पीपल, बट अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है स्टिल यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर सनस्क्रीन एंड यू विल फाइंड वेरी गुड रिजल्ट। एंड द गुड पार्ट इज जिन लोग के एक्ने हैं या जो लोग एक्ने से सफर कर रहे हैं उनको एक तो कवरेज देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत कवरेज जरूर देती है। सेकेंडली ये आपको प्रोटेक्शन भी देती है, क्योंकि एक्ने के दौरान हम बहुत सारे रेटिनॉल या इस सीरम या उस सीरम इन्वेस्ट करते हैं, और उसको सही करने के लिए, एक्ने को सही करने के लिए हम वो सीरम्स तो लगाते हैं, लेकिन हम सनस्क्रीन जब लगाने बैठते हैं ना तो वो वाइट पुता हुआ चेहरा लगता है, तो वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। सेकेंडली आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक बूस्ट आता है, क्योंकि आपको एक अच्छी कवरेज देखने को मिलती है। यार जब मैं टीन था और जब मेरे पिंपल होते थे, मैं नहीं चाहता था कि कोई लड़की मेरे को देखे और मेरे पिंपल को पॉइंट आउट करे, लेकिन गुड टाइम इज हियर, और इससे आपकी कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट जरूर देखने को मिलता है। थर्ड थिंग, सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि ये स्वेट प्रूफ है। बेसिकली जब भी आप जिम जाते हैं, रनिंग पे जाते हैं, या स्विमिंग पे जाते हैं, या कोई ट्रैक पे जाते हैं, तो एकदम से ये निकलने वाली नहीं है, चाहे बारिश भी आ जाए तब भी एकदम से नहीं निकलेगी, ये निकलेगी तभी जब आप मुंह धोएंगे। एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये देखने को मिलेगा कि ये आपके पोर्स को क्लॉक नहीं करती, वरना कई सनस्क्रीन स्पेशली जो टिंटेड सनस्क्रीन आती है ना वो आपके पोर्स को क्लॉक कर देती है, एंड देन आपके अगेन एक्ने होता है, मतलब एक्ने ऑलरेडी हो रखा है और पोर्स क्लॉक हो गए और एक्ने होना शुरू हो जाता है आपके फेस के ऊपर। दैट इज व्हाई आपको और मेकअप या और टिंटेड सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती है, एंड द प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, आप चाहे तो सीधा मुंह धोइए और डायरेक्टली आप इसे लगा सकते हैं। दोस्तों इस सनस्क्रीन को ना जो खास बनाता है वो है इसके इंग्रीडियंट। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट आपको डिमेटिकॉन ही देखने को मिलता है। डिमेटिकॉन बेसिकली आपको एक रिच और एक सिल्की फीलिंग देता है आपकी सनस्क्रीन या बाकी के स्किन केयर प्रोडक्ट्स को, और बेसिकली मैंने देखा है कि ज्यादातर डिमेटिकॉन हो गया या बाकी के जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन में ज्यादातर पाए जाते हैं। सेकंड, इसमें आपको टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, दो फिजिकल लड़ाकू विमान देखने को मिलता है जो आपकी स्किन को बचाते हैं फ्रॉम यूवीए एंड यूवीबी रेजेस। द गुड पार्ट इज कि दिस सनस्क्रीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल ब्लॉकर एंड केमिकल ब्लॉकर। इसमें आपको एवोबेंजोन भी देखने को मिलता है जो कि आपके
स्किन को बचाता है फ्रॉम UVA रेजेस। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस सनस्क्रीन इज कि इसमें आपको कोई भी परफ्यूमिंग एजेंट देखने को नहीं मिलता, मतलब इसमें आपको किसी भी तरह का परफ्यूम या फिर किसी भी तरह की फ्रेग्रेंस जो होती है वो नहीं आने वाली, और मुझे पसंद भी नहीं है ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट जिसमें बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस हो। ठीक है, तो ये तो इनकी इंग्रेडिएंट की लिस्ट है, क्रिस्प है, शॉर्ट है, और अगेन इसमें आपको जिंक ऑक्साइड भी देखने को मिलता है जो कि आपके स्किन को ब्लू लाइट से बचाता है अलॉन्ग विद टैल्क एज वेल। कई बार लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि हमें चिपचिपाहट देखने को मिल रही है, स्पेशली इन यूवी डॉक्स में भी कंप्लेंट आई है कई बार, तो ये चीज ब्रिंडन कंपनी ने सुधारी है, इसमें टैल्क को ऐड करा है ताकि आपको एक मैटी फिनिश देखने को मिले। तो बात कर लेते हैं किन लोग के लिए ये पर्टिकुलर सनस्क्रीन, ये हर एक स्किन टाइप के लिए है, चाहे आप एक्ने प्रोन स्किन वाले हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो। ये जो सनस्क्रीन है बहुत ज्यादा ड्राई लोगों के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो उनके लिए अलग सनस्क्रीन आती है, लोशन बेस्ड सनस्क्रीन कहते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल रेंज में आते हैं एंड स्पेशली अगर आपके एक्ने के साथ स्कार्स हैं, डेफिनेटली आंख बंद करके आप इसे यूज कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और मार्केट में आजकल बहुत सारी सनस्क्रीन आ चुकी हैं, हर एक सनस्क्रीन पर इन्वेस्ट करना छोड़ दीजिए, एक बार एक प्रोडक्ट लीजिए और उसी के साथ लॉन्ग टर्म तक आगे बढ़ते रहिए। सो ये स्ट्रेटेजी ने मेरे लिए काम किया था जब मेरे एक्ने के मार्क्स थे या मेरे एक्ने हो रहे थे, तो मैंने एक ही सनस्क्रीन या एक ही सीरम पे इन्वेस्ट करा और उसे ही लॉन्ग टर्म तक मैं यूज करता गया। सो दिस इज हाउ प्रोडक्ट्स वर्क, और आपको भी ये स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। सो इन केस यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, एंड रीजन व्हाई दिस इज माय फेवरेट सनस्क्रीन बता दिया ऑलरेडी आपको। अगर आपका भी ये फेवरेट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।